हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने रियलमी टीवी को कैसे मिरर कास्टिंग और कास्टिंग के थ्रू अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ तो कैसे आप डायरेक्टली अपने मोबाइल या किसी अदर डिवाइस से अपने रियलमी टीवी पे कंटेंट को प्ले कर सकते हैं और इसका कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। पहले हम देखेंगे कि कैसे हम मिरर कास्टिंग के थ्रू या मिररिंग के थ्रू अपने टीवी पे कंटेंट प्ले कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो इसके लिए ये मेरा मोबाइल है और इस मोबाइल को सबसे पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने टीवी के साथ। तो मैं जा रहा हूँ सेटिंग्स और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कास्ट, तो मैं कास्ट कर लेता हूँ। कास्ट स्क्रीन टू डिवाइस आ रहा है कि मैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन कास्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे टीवी आ रहा है सेलेक्ट कर दिया मैंने और मेरे फ़ोन की स्क्रीन दिख रही है मेरे टीवी पर। इसे कहते हैं हम मिररिंग या मिरर कास्टिंग। इस तरीके से जो भी कंटेंट हम अपने फ़ोन पर डिस्प्ले करेंगे, प्ले करेंगे, वो सीधा हमें टीवी पे दिखेगा। यहाँ पे आप इसका रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं कि ठीक ठाक रिस्पॉन्स है। स्प्लिट ऑफ सेकेंड का डिले है जो कि चलता है, नेग्लिजिबल है। बाकी अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस और कुछ कंटेंट प्ले करके भी दिखाता हूँ कि कितने टाइम में इसका रिस्पॉन्स आता है। तो अगर आपको लगता है कुछ रिसेंट इमेजेस लिए हैं, कहीं घूमने गए थे और चाहते हैं कि बड़ी स्क्रीन पर इमेजेस देखें, फैमिली को दिखानी है साथ में बैठ के, तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने इस इमेजेस जो भी हैं अपने फ़ोन को कनेक्ट करके बिग स्क्रीन पे आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे इजीली आप वो चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कंटेंट है जो कि आप प्ले कर रहे हैं, कोई वीडियो या कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब पे जाके मैंने एक वीडियो प्ले किया अपने फ़ोन में, तो वो इंस्टेंटली सेम टाइम पर ही प्ले हो रहा है मेरे टीवी में, तो इसमें कोई ऐसा डिले नहीं है। इसे मैं अगर फुल स्क्रीन करूँ तो ये फुल स्क्रीन पर भी अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। तो आपने देखा कि अच्छा खासा एक प्रॉपर रिस्पॉन्स इस टीवी से आपको मिल जाता है मिरर कास्टिंग का। अब चलते हैं होम स्क्रीन पे और देखते हैं अगला फीचर जो कि है कास्टिंग का, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि अपने फ़ोन में कोई भी कंटेंट हम प्ले कर रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब हुआ या फिर फेसबुक हुआ, उसमें हमारे पास अब आजकल डायरेक्ट कास्टिंग के ऑप्शन आ गए हैं। तो जैसे मैंने अभी एक यूट्यूब पे वीडियो प्ले किया अपने फ़ोन में और यहाँ पे राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे कास्टिंग का आइकन आ रहा है, तो मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूँ जैसे ही वीडियो प्ले करके। फ़ोन में वीडियो अभी प्ले है और ये कास्ट टू एंड्रॉयड टीवी मैंने ये कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि कितना टाइम ले रहा है टीवी में कनेक्ट होने में। हार्डली इसने 1 से 1.5 सेकेंड का टाइम लिया होगा और ये कनेक्ट हो गया, वीडियो प्ले हो रही है हमारे टीवी पर। और जब ये वीडियो टीवी पर प्ले होती है तो उस समय आपके फ़ोन में ये वीडियो आपको दिखता है कि वहाँ पे प्ले नहीं होगी, डायरेक्टली आपके टीवी पर ही होगी। इसी को कास्टिंग बोला जाता है। तो अब जब अपने टीवी पर वीडियो प्ले कर लिए अपने मोबाइल या किसी अदर डिवाइसेस से जिसमें कास्टिंग की फंक्शनैलिटी है, उसके बाद में आप अपना टीवी को ऑपरेट कर सकते हैं टीवी के रिमोट कंट्रोल से, जो कि एक नॉर्मल ऑपरेशन जैसे टीवी का करते हैं वैसे ही आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने वीडियो को मैंने फॉरवर्ड और रिवर्स करके प्ले किया और इजीली यहाँ पे वो वीडियो प्ले हो गई। अगर मैं चाहूँ मुझे कोई और वीडियो प्ले करनी है तो अपने मोबाइल में जाऊँगा या अपने कनेक्टेड डिवाइस में जाऊँगा और यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करके दो ऑप्शन मुझे मिलेंगे, प्ले का और ऐड टू क्यू। एड टू क्यू मतलब जो करंट वीडियो चल रही है उसके बाद नेक्स्ट वीडियो प्ले होगी, और प्ले कर दूंगा तो ये इंस्टेंटली प्ले हो जाएगी। और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने प्ले का बटन किया, ये विद इन अ सेकेंड ये वीडियो प्ले हो गई है मेरी। तो एक अच्छा खासा एक प्रॉपर रेस्पॉन्स आपको इस टीवी से मिल जाता है। अब रिमोट से अगर मैं देखूँ तो देखो कितना क्विकली मैं इसे आगे पीछे कर रहा हूँ और वीडियो फ्लॉलेस प्ले हो रही है। तो यही था आज की वीडियो में, होपफुली आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।